हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 6 दिसंबर 2022 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ हम ले रहे हैं कि जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं उसमें गुजरात में 7वीं बार फिर से सत्ता में आती दिख रही है भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी, और हिमाचल में कांटे की टक्कर दिख रही है। और वहीं पर MCD के जो इलेक्शन थे दिल्ली में, उसमें आम आदमी पार्टी को बढ़त दिख रही है। अब इसके रिजल्ट जब आएंगे तब इसको हम देखेंगे। न्यूज़ को आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर कि चैरिटी का उद्देश्य मतांतरण नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर धोखा, लालच, दबाव में जबरन मतांतरण को गंभीर मुद्दा बताते हुए चिंता जताई है कि कोर्ट ने सोमवार को जबरन मतांतरण को खतरनाक बताते हुए इसे संविधान के विरुद्ध कहा है। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी की मदद करना चाहते हैं तो करें, लेकिन ये मतांतरण के लिए नहीं हो सकता। चैरिटी का उद्देश्य मतांतरण नहीं होना चाहिए। प्रलोभन खतरनाक चीज है, यह बहुत गंभीर मुद्दा है और संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है। अगर मदद का उद्देश्य अच्छा है तो उसका स्वागत है, लेकिन इसके पीछे की मंशा पर विचार किए जाने की जरूरत है। कोर्ट ने यह भी कहा कि भारत में रहने वालों को यहाँ की संस्कृति के अनुरूप काम करना होगा। कोर्ट ने जबरन मतांतरण पर रोक को मांग वाली याचिका पर सुनवाई के विरोध को खारिज करते हुए कहा कि हम यहाँ समाधान तलाशने के लिए हैं, यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है। हम यहाँ ये देखने के लिए नहीं है कि कौन सही है या कौन गलत। नेक्स्ट न्यूज है निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, उनका एक स्टेटमेंट कि नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल बड़ी मछलियों पर कार्रवाई करें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रवर्तन एजेंसियों से नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल बड़ी मछलियों पर कार्रवाई करने को कहा है। उन्होंने कहा कि यह पता लगाने की जरूरत है कि बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थों को कौन भेज रहा है। राजस्व खुफिया निदेशालय यानी DRI के 65वें स्थापना दिवस पर वित्त मंत्री ने कहा कि आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि तस्कर आपसे अधिक चालाक नहीं हो। इसके लिए हमें कड़ी मेहनत करनी होगी। नशीले पदार्थों के पाउच या 1 किलोग्राम कोकेन के साथ किसी को पकड़ लेना पर्याप्त नहीं है। जो लोग इसमें पैसा लगा रहे हैं और इससे संभावना बना रहे हैं, उन्हें पकड़ना होगा। हाल के महीनों में गुजरात के बंदरगाहों पर भारी मात्रा में ड्रग्स पकड़े जाने की पृष्ठभूमि में वित्त मंत्री का यह बयान आया है। नेक्स्ट न्यूज है चीन के वुहान लैब में तैयार हुआ था कोरोना वायरस। अब इस हेडिंग में आपको एक बुक मिलेगी और उसके राइटर आपको याद करना होगा क्योंकि ये बुक अब हो गई है इंपॉर्टेंट। कोरोना वायरस के मानव निर्मित होने और इसके चीन की वुहान लैब में तैयार होने की आशंका सच साबित होती लग रही है। विवादित वुहान लैब में काम कर चुके एक अमेरिकी विज्ञानी ने अपनी किताब में चौंकाने वाला दावा किया है कि दुनिया भर में महामारी फैलाने वाला कोरोना वायरस मानव निर्मित था। वुहान लैब के अमेरिकी विज्ञानी एंड्रू हफ ने अपनी किताब द ट्रुथ अबाउट वुहान, बुक के राइटर फिर से सुन लीजिए, बुक है द ट्रुथ अबाउट वुहान और इसके राइटर हैं एंड्रू हफ ने लिखा है कि COVID-19 एक मानव निर्मित वायरस था और यह इसी लैब से लीक हुआ था। न्यूयॉर्क पोस्ट ने शोधकर्ता एंड्रू हफ के बयान के हवाले से बताया कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से कोरोना वायरस लीक हुआ था। चीन सरकार द्वारा संचालित इस लैब की फंडिंग भी वही करती है। हफ ने यह भी बताया कि कोरोना वायरस के अध्ययन के लिए अमेरिकी सरकार द्वारा चीन की इस लैब में की गई फंडिंग भी जिम्मेदार है। नेक्स्ट न्यूज है कि G20 की अध्यक्षता ऐतिहासिक, सभी लोगों को एकजुट होना होगा। G20 की अध्यक्षता के दौरान अगले एक साल की गतिविधियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी दलों के नेताओं के साथ विचार विमर्श किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार की ओर से G20 के लिए कार्यक्रमों की रूपरेखा बताई और सभी दलों के नेताओं से इसके लिए सुझाव भी मांगे हैं। प्रधानमंत्री ने साफ किया कि G20 की अध्यक्षता भारत के लिए ऐतिहासिक गर्व का विषय है और इसे सफल बनाने में सभी दलों को एकजुट होकर काम करना होगा। राष्ट्रपति भवन में हुई सर्वदलीय बैठक में भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने और सचिव ने हिस्सा लिया था। मोदी ने सभी दलों के नेताओं से G20 की बैठक को भव्य और सफल
बनाने में मदद करने की गुजारिश की है। सरकार की नीतियों और तैयारियों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं के सुझावों को समाहित करने के लिए सरकार तैयार है। यह पूरे देश का आयोजन है और इसे राजनीतिक नजरिए से देखना ठीक नहीं होगा। नेक्स्ट न्यूज है, रूस से क्रूड की खरीद पर कोई सीख स्वीकार नहीं। भारत ने एक बार फिर दोहराया है कि वह रूस से क्रूड खरीद को लेकर किसी तीसरे देश से मिलने वाली सलाह को स्वीकार नहीं करेगा। सोमवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह बात तब कही जब वह जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेरबाक के साथ मंच साझा कर रहे थे। जयशंकर ने एक तरह से यूरोपीय देशों को आईना दिखाते हुए कहा कि रूस से भारत का कारोबार यूरोपीय देशों के मुकाबले तो बहुत ही कम है। उन्होंने कहा कि फरवरी से नवंबर के बीच यूरोपीय देशों ने रूस से जितना ईंधन खरीदा है वह समग्र तौर पर उसके बाद रूस से ईंधन खरीदने वाले देश 10 देशों से ज्यादा है। जयशंकर ने कहा कि रूस से तेल खरीदने पर भारत की नीति में कोई बदलाव नहीं है। भारत को जिससे भी क्रूड खरीदने की जरूरत होगी वह खरीदेगा। इस बारे में यूरोपीय संघ के साथ भी भारत लगातार बात कर रहा है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं, विश्व कौशल प्रतियोगिता में भारत को 11वां स्थान। कौशल विकास में भारत की क्षमता में लगातार वृद्धि हो रही है। इसका संदेश विश्व भर में पहुंचाने में भी सफलता मिली है। सितंबर से नवंबर तक आयोजित विश्व कौशल प्रतियोगिता 2022 में 11वां स्थान प्राप्त किया है। 2 रजत सहित भारत के प्रतिभागियों ने इस प्रतियोगिता में कुल 18 पदक प्राप्त किए हैं। 3 महीने तक विभिन्न कौशल विधाओं में यूरोप, एशिया और अमेरिका में विश्व कौशल प्रतियोगिता आयोजित की गई है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के मुताबिक भारत ने 50 विधाओं में हिस्सा लिया है। संतोषजनक प्रदर्शन करते हुए 2 रजत 3 कांस्य और 13 उत्कृष्टता पदक हासिल किए हैं। हॉस्पिटैलिटी बहुत बड़ा क्षेत्र है और इस क्षेत्र में होटल रिसेप्शन स्किल में भी पहली बार कांस्य पदक प्राप्त करने में सफलता मिली है। भारत के कुल प्रतिभागियों में 19% महिलाएं रही हैं। 12% प्रतिभागी ITI से प्रशिक्षित हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं कि सिंगल विंडो सिस्टम बनेगा वन स्टॉप शॉप। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम उद्यमियों के लिए अब वन स्टॉप शॉप का काम करेगा। सिंगल विंडो से उद्यमी इकाई की स्थापना की मंजूरी से लेकर लाइसेंस के नवीनीकरण और GST रिटर्न तक फाइल कर सकेंगे। नेशनल सिंगल विंडो से लाइसेंस नवीनीकरण का काम जल्द शुरू होगा, जबकि GST और अन्य टैक्स रिटर्न फाइल की सुविधा इस पोर्टल पर मुहैया कराने के लिए उद्योग संवर्धन व आंतरिक व्यापार विभाग वित्त मंत्रालय के साथ बातचीत कर रहा है। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम को पिछले साल लॉन्च किया गया था ताकि औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए एक ही जगह से उद्यमियों को सभी प्रकार की मंजूरी मिल जाए। इससे पहले औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए उद्यमियों को केंद्र से लेकर राज्य सरकार के पास दर्जनों आवेदन करने पड़ते थे। नेक्स्ट है कि अब गांव में ही देख सकेंगे फिल्में। मार्च तक बनेंगे 500 सिनेमा हॉल। बड़ी स्क्रीन पर फिल्म देखने के लिए भी अब ग्रामीणों को शहर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे भी शहर वालों की तरह रिलीज होते ही मूवी देख सकेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के अधीन काम करने वाला कॉमन सर्विस सेंटर मध्यस्थता के जरिए अब गांवों में सिनेमा हॉल खोलने जा रहा है। CSC की मदद से अगले वर्ष मार्च तक 500 ग्रामीण इलाकों में सिनेमा हॉल खोले जाएंगे। 2024 के अंत तक 10,000 सिनेमा हॉल खोलने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण इलाकों में खुलने वाले सिनेमा हॉल में 100 से 200 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। सिनेमा हॉल खोलने के लिए CSC के ने हाउस ऑफ अक्टूबर सिनेमाज नामक कंपनी के साथ समझौता किया है। CSC से जुड़े ग्रामीण उद्यमी की देख रेख में गाँव में सिनेमा हॉल खोले जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज है कि RBI गवर्नर का कार्यकाल 6 वर्ष करने का सुझाव। वित्त को लेकर बनी संसद की स्थायी समिति की एक रिपोर्ट में RBI गवर्नर का कार्यकाल 6 वर्ष करने का सुझाव दिया गया है। साथ ही डिप्टी गवर्नर की संख्या को मौजूदा 4 से बढ़ाकर 8 करने की बात कही गई है। सूत्रों के अनुसार पूर्व वित्त राज्य मंत्री और भाजपा सांसद की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने RBI पर एक व्यापक रिपोर्ट तैयार की जिसमें कई सुधारों का सुझाव दिया गया था। इस रिपोर्ट को 7 दिसंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज है इंटरनेशनल पेज से कि यूक्रेन द सिटी ऑफ जॉय के लेखक
डोमिनिक लैपियर का निधन। प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक डोमिनिक लैपियर का 91 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। डोमिनिक को कोलकाता के एक रिक्शा चालक के जीवन की कठिनाइयों पर केंद्रित उपन्यास द सिटी ऑफ जॉय और फ्रीडम एट मिडनाइट के लिए जाना जाता है। 2008 में उन्हें भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उनकी पत्नी डोमिनिक कोनकोन लेपियरे ने फ्रांसीसी समाचार पत्र वॉर मार्टिन को रविवार को बताया कि 91 वर्ष की अवस्था में उनका निधन हो गया। 30 जुलाई 1931 को चेटेलिलोन में जन्मे डोमिनिक ने अपनी पत्नी के सहयोग से सिटी ऑफ जॉय फाउंडेशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट न्यूज है, सैन्य शक्ति दिखाने के लिए विदेश में अड्डे बनाना चाहता है ड्रैगन। युद्धपोत और पनडुब्बी के लिहाज से चीन के पास विश्व में सबसे बड़ी नौसेना है। अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन ने पिछले महीने चीन की सैन्य शक्ति पर अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा था कि सैन्य शक्ति प्रदर्शित करने के लिए बीजिंग पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को विदेश में अपनी उपस्थिति बढ़ाने की अनुमति देने जा रहा है। पेंटागन की रिपोर्ट के अनुसार चीन की नौसेना के पास करीब 355 युद्धपोत और पनडुब्बियां हैं। तो ये आज का 6 दिसंबर 2022 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।